भारत और पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में एक जैसी शक्लों सूरत की तरह दिखाई देने वाले इंसानों से भरे हुए ये दोनों देश जब भी एक साथ आते हैं तो इनके आसपास एक विवाद भी जरूर होता है, जो कभी युद्ध का रूप ले लेता है, कभी सीज फायर का, लेकिन मन मुटाव में कोई कमी नहीं आती। इन विवादों के अगर जड़ की बात करें तो आप कहेंगे भारत पाक बंटवारा ही इसकी मेन जड़ है, लेकिन बंटवारा दुनिया के और देशों के बीच भी हुआ है, लेकिन ऐसी लड़ाई शायद ही कहीं और देखने को मिलती हो। वहीं अगर भारत पाक बंटवारे की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी कमी इस इंसान के कारण आती है जिसका नाम है रेडक्लिफ। इस शख्स ने वहां ब्रिटेन में बैठे बैठे दो देशों की समझ के बिना ही उन्हें नक्शे पर बांट दिया, जिसके बाद जब वो नक्शा असली रूप से सामने आया तो हमेशा के लिए विवाद ही बन गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कश्मीर है, जिसके बारे में आप आए दिन सुनते ही होंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम कश्मीर के नहीं बल्कि ऐसे एक दूसरे बड़े विवाद के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध से जुड़ा हुआ है, जिसे सर क्रीक डिस्प्यूट के नाम से जाना जाता है, जो कश्मीर की तरह भारत की शान तो नहीं है लेकिन भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हिस्सा है। तो ये विवाद क्या है और क्यों पाकिस्तान किसी अड़ियल फूफा की तरह इस विवाद को खींच रहा है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये सर क्रीक क्या है, क्या चीज है ये। तो घबराइए नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि एक नाम है जिसे गुलाम भारत में एक अंग्रेजी अधिकारी के नाम पर रखा गया। लेकिन क्रीक है क्या, इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ी सी जियोग्राफी की तरफ लिए चलते हैं। तो होता कुछ यूं है कि जब किसी जमीनी सतह पर एक नदी बहती है, जो नदी की तरह दिखाई तो देती है लेकिन उसकी तरह गहरी नहीं होती है, उसे आमतौर से स्ट्रीम लाइन कहते हैं। तो ये सर क्रीक को भी आप एक स्ट्रीम लाइन की तरह समझ सकते हैं, यानी कि एक छिछली नदी जो गुजरात के कच्छ के रण और पाकिस्तान के सिंध के बीच बहती है, जिसे एक जमाने में बाण गंगा भी कहते थे। अब आइए समझते हैं आखिर क्रीक को लेकर क्या विवाद चल रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ये नदी नुमा स्ट्रीम भारत पाकिस्तान को एक तरह से बांटती है, तो इस पर विवाद होना तो तय है। दरअसल पाकिस्तान आजादी के बाद भी कई सालों तक यही कहता रहा है कि इस स्ट्रीम की वजह से कच्छ का रन भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अब ऐसा वो किस आधार पर कहते हैं, इसकी एक रोचक कहानी है। आजादी से पहले कच्छ भारत की एक बड़ी रियासतों में से एक था, जिसके राजा थे महाराव। 20वीं सदी की शुरुआत में कच्छ के महाराव और सिंध प्रांत के तत्कालीन प्रशासन के बीच एक फौजदारी मामले को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इस विवाद के बाद ही कच्छ रियासत और सिंध प्रांत की सीमा तय करने के लिए 1914 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके आधार पर सीमा को मार्क करने के लिए सीमा पर पत्थर लगाने का काम 1925 तक चलता रहा, जिसके कुछ कागजी प्रमाण भी बनाए गए। इसी सीमा निर्धारण में क्रीक का पूरा इलाका सिंध प्रांत का हिस्सा बन गया, क्योंकि क्रीक के ज्यादातर हिस्से कच्छ के रन से होकर गुजरते थे। इसका मतलब ये हुआ कि उस समझौते के तहत आज के कच्छ का एक बड़ा हिस्सा सिंध प्रांत के अंदर आता है। इसी प्रमाण को पाकिस्तान दिखाता रहता है कि उसी दौर में कच्छ का ये हिस्सा सिंध का हो गया, तो ये पूरा क्रीक इलाका आजादी के बाद पाकिस्तान का क्यों नहीं हुआ, जबकि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बना और वो हिस्सा भी उसी सिंध में आता है। आजादी के बाद जब सीमा निर्धारण हुआ तो ये क्रीक का इलाका ग्रीन लाइन के नाम से जाना जाने लगा, और अब स्थिति ये है कि न भारत कच्छ का कोई हिस्सा देना चाहता है, न पाकिस्तान उस हिस्से को छोड़ने को तैयार है। भारत इस इलाके को लेकर इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि कारगिल के जंग के कुछ दिनों बाद ही उसकी क्रीक इलाके में जब पाकिस्तान का एक एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ चला आया था, तो भारत की MiG-21 ने बिना किसी बात के देर किए हुए उस एयरक्राफ्ट को वहीं उड़ा दिया, जिसमें पाकिस्तान के कुल 16 सैनिकों की जान भी चली गई थी। इसके बाद ये क्रीक विवाद का मुद्दा और बढ़ गया था। बात अगर कश्मीर विवाद की करें तो उसमें कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए भारत की तत्परता जायज लगती है, लेकिन इस नदी जैसे इलाके को जिसके आसपास बंजर ही है, उसे भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए भारत हमेशा से तत्पर क्यों रहता है, ये सवाल भी अपने आप में काफी रोचक है।
तो दोस्तों इस सवाल का सीधा सा जवाब है मछलियां। आप सोच सकते हैं कि मछलियां क्यों? क्योंकि दोस्तों ये इलाका एशिया का सबसे बड़ा फिशिंग ग्राउंड माना जाता है। ये क्रीक वाले इलाके में जो स्ट्रीम लाइन बनती है वो अरब सागर में जाकर खत्म होती है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए मछलियां पकड़ने के लिए सबसे उपयोगी जगह है। इसी डिस्प्यूट के चलते कुछ लोग जब मछलियां पकड़ने जाते हैं तो पाकिस्तानी नौसेना उन्हें पकड़ लेती है और अपने साथ बंधक बनाकर ले जाती है। लोग मछली पकड़ने आए और बॉर्डर के इस पार आ गए और हमें पता नहीं था गलती से, और पाकिस्तानी नेवी आ गई और हम लोगों को पता नहीं, हम जाली काट कर भागने लगे, फिर हमको उसने पकड़ लिया, जिसके बाद ये विवाद और आग पकड़ लेता है। अब इतनी मछलियां हैं तो विवाद तो होना ही है। इन्हीं कारणों में एक और महत्वपूर्ण कारण ये है कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान उसी पुराने दस्तावेज पर अटका रहा जिसकी कोई मान्यता नहीं है, जिस कारण आज़ादी के बाद आज तक उस इलाके में सही से सीमाओं का निर्धारण नहीं हो पाया। स्थिति ऐसी है कि इन दोनों देशों को बांटने वाली इस ग्रीन लाइन पर किसी प्रकार की कोई फिजिकल फेंसिंग भी नहीं की गई है, जिसका सबसे ज़्यादा लॉस जो दोनों देशों को होता है वो है कि अरेबियन सी से निकलने वाली तेल, खनिज पदार्थों और गैस के विशाल भंडारों का। इस इलाके में लगातार दोहन यानी वेस्टेज होता रहता है, जिससे कि दोनों देश आपस में चिढ़े रहते हैं। अगर बहुत आसान भाषा में इस विवाद को समझें तो भारत और पाकिस्तान की समुद्री रेखाओं के अस्पष्ट बनावट की वजह से ही ये विवाद अब तक बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद इस विवाद को ख़त्म करने के प्रयास नहीं किए गए। साल 1965 के वॉर के बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड विल्सन ने दोनों देशों से इस क्रीक विवाद को सुलझाने के लिए कहा, जिसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर आर्बिट्रेशन का सहारा लेने को कहा। इसके बाद ये पूरा मुद्दा इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के पास चला गया, जिसने इस केस की गहन जाँच की। उसके बाद उनका जो वर्डिक्ट आया उसके तहत विवादित इलाके का 90% हिस्सा भारत के पास आया और पाकिस्तान जो करीब 9000 वर्ग किलोमीटर की मांग कर रहा था उसे उसकी मांग का सिर्फ 10% ही मिला। और इस तरह से उन्होंने इस मामले को पूरी तरह सुलझाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान अपनी हार से नाखुश रहा और ये विवाद पूरी तरह से नहीं सुलझा और पाकिस्तान वही कहता रहा जो उसने रट्टू तोते की तरह रट लिया था कि कच्छ भी पाकिस्तान का हिस्सा है। खैर ये इलाका व्यापार के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए जिसके पास भी इस इलाके का अधिकार होगा उसकी अर्थव्यवस्था के लिए इलाका एक बड़ा रोल अदा करेगा। अब ये विवाद कब तक चलेगा और इसका क्या अंत होगा ये तो वक्त ही बताएगा। चूंकि ये मुद्दा बहुत कॉम्प्लेक्स है इसीलिए हमने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।